बसमिल्लामर लेडीज एंड जेंटलमैन, राइज एंड शाइन विद द लेसन फोर नाउ वी आर रीचिंग एट द पॉइंट विद द सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, अप्लाइंग सोशल इंपैक्ट इज मच नेसेसरी टू अंडरस्टैंड इनिशियली बिफोर द फोर्थ लेसन हम ये समझते रहे कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप क्या है यहां तक हमने क्लैरिटी ले ली कि रिस्क टेकिंग है उसके बाद प्रॉफिट मोटिव्स भी हैं इसके अंदर जो साइड लाइन्स में अगर देखें तो साइकोलॉजी भी है सोशोलॉजी भी है उसके कॉन्टेक्ट भी हैं सोशल नॉर्म्स भी है बिहेवियर्स भी हैं लेकिन बिहेवियर्स और नॉर्म्स को सोशल कॉन्टेक्स्ट और सोशल ऑर्डर के मुताबिक बहुत डिटेल में नहीं देखा गया था लेकिन लास्टली थर्ड सेशन के अंदर हमने देखा कि कैपिटलिज्म को देखा सोशलिज्म को देखा सोशलिज्म जो है वो कम्युनिज्म के प्रस्पेक्टिव से देखा कि कैम्यूनिज के अंदर जो है वो एक रिएक्शन आया कैपिटलिज्म के खिलाफ और कैपिटलिज्म ने कहा कि सरमायादारी जहाँ पे सबसे ज्यादा सरमाया होगा जिसकी लाठी उसकी भैंस यानी जिसके पास ज्यादा सरमाया होगा उसी का ज्यादा प्रॉफिट होगा यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपकी मेजर इन्वेस्टमेंट के ऊपर बेस करेगी अब रही बात आपके इम्प्लॉयज की आपकी इम्प्लॉय बिहेवियर की और एम्प्लॉयर जो कि दो परसेंट या एक परसेंट क्या सोशल फैब्रिकेशन इस तरीके से बनेगी और अंडरस्टैंड हमने करने की कोशिश की कि सोशल फैब्रिकेशन में मेजर प्रॉब्लम क्या आ रहे हैं तो अब लेसन फोर उस सारी चीजों को जो कि हम शंप्यूटर साहब से लेकर चलते रहे फिर फ्लैंक रेन तक हमने देखा और हम इस चीज को समझने की कोशिश करते रहे कि रिस्क टेकिंग तो का सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट है ही यानी मसाला जात अगर देखे जाए तो रिस्क टेकिंग है सोशल ऑर्डर को देखना कल्चर को देखना बिहेवियर्स को देखना नॉर्म्स को देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेकिन हमने यहां तक भी पहुंचे कि एक जो आंटरप्रनोर है पूरे बिजनेस एम्पायर और बिजनेस कल्चर को चेंज करता है यानी आपका जो आउटर कर्स्ट के अंदर देखते हैं कि एक सोशियो इकोनॉमिक पैटर्न्स के अंदर तो आ, पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशो टेक्नोलॉजिकल सोशल लीगल ये सारे पैटर्न चेंज जाए तो आपका जो विद इन सिस्टम है वो आपका चेंज हो जाता है यानी आपकी ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो जाती है और अगर मैं ये लफ्ज बोल दूं कि आई ओवर ओ यानी इंडस्ट्रियल ओवर ऑर्गेनाइजेशन पूरा का पूरा इंपैक्ट बिहेवियर चेंज हो जा सकता अब इधर इंडस्ट्री है इधर ऑर्गेनाइजेशन है इस एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं यानी फॉर एग्जाम्पल मैं स्कूल लेता हूँ

बात यह है कि एड्रेस करता है फोर्थ चैप्टर जिसका नाम है सोशल और हमने देखना है कि इकोनॉमिक्स में सोशल इंपैक्ट होता क्या है इस सेशन में खास तौर पे अगर हम देखते हैं तो वी विल लर्न ऑन व्हाट इज सोशल सोशल्योरशिप नंबर वन नंबर टू द इंपैक्ट ऑफ द सोशल एंटरप्रन्योरशिप ऑन इकोनॉमी थर्डली हम इस पर एम्फोसाइज करेंगे द इम्पैक्ट ऑफ सोशल एंटरप्रन्योरशिप ऑन सोसाइटी तो तीन वेरिएबल्स आप अपने जहन में रखिए एक तो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है क्या सोशल एंटरप्रेन्योरशिप और इकोनॉमी यानी मीशत पे इसके क्या असर हैं यानी आपके स... अब यहां पर मैं थोड़ा सा आपको टाइम लगाकर बताना चाहता हूं यानी विद इन थर्टी सेकेंड्स आप समझ लीजिए यहां पर आपने खास तौर पे सोचना है कि सिर्फ ऐसा नहीं कि आप गरीब हैं या अमीर हैं ये एक समाजी दीवार या दरार नहीं है यानी अगर मैं देखा जाए तो एक खास किस्म की सोसाइटी है जहां पर किसी के कपड़े फटे में तो आप मजाक करते हैं या अगर आप एक ख़ास किस्म की सोसाइटी में आके तो आप कहते हैं कि ये गरीब है या अमीर है ये तो सेग्रीगेशन समझ में आती है लेकिन एक और सेग्रीगेशन है जिसके अंदर सुमेथा ने लिखा और तकरीबन 1951 के अंदर 1855 में भी कई जगह रेफरेंस एंड साइटेशन आती हैं उसके अंदर एक जो है आ, सरस्वती का एक केस लिखा गया जिसके अंदर बताया गया था कि जो एक्सक्लूजन है वो बहुत किस्म की हो गई उसमें ये था कि जो जिस नस्ल से ताल्लुक रखती थी वो और यानी ज़ात पात यानी कास्ट कलर क्रीड ये तो आपने ही लिया और इसके ऊपर हम बात भी करेंगे कास्ट कलर क्रीड यानी रंग नसल और इन चीज़ों की बुनियाद पर तो हो गया लेकिन वो ताल्लुक फॉर एग्जाम्पल किसी से यानी उसको एक टर्म और बोली जाती थी और उसका मतलब जो संस्कृत में निकलता था वो था भंगी अच्छा अब जैसे ही वो बच्ची जो थी स्कूल में दाखिल होती थी सब कहते थे भंगी आ गई तो वो गाने किसी सूरत और सिंगिंग और अजीब व गरीब मामला बनाते थे और कहते थे भंगी आ गई इसका मतलब है वो मेन स्ट्रीम से निकल गए तो कास्ट कलर क्रीड के चक्कर के अंदर तो मामला होते रहे लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें कि एक और किस्म की एक्सक्लूजन भी मिली अब यहाँ पे इकोनोमी का लेना देना तो नहीं है डिप्रीवेशन तो मैं समझ गया कि गरीब और अमीर की हो सकती है लेकिन यहाँ की डेप्रीवेशन तो कहीं और जा रही है आगे देखते हैं कि सोशल ऑन द सोसाइटी ये वो बात है जो मैंने आपको बताया कि गरीब और अमीर से निकल कर बात कहीं चलती है कि भंगी नस्ल की है या खानदान के ताल्लुक किस से है या किस से उन चीजों को पहचाना जाता है और अभी ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी के अंदर आता ये चीजें चेंज हो जाएंगी अब आपने पूछा कि हम इस सोशल आंटरप्रन्य के अंदर करेंगे क्या तो सबसे पहले समझ लीजिए कि किन बुनियादों के ऊपर ये चीजें चेंज होती हैं देखिए कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स नंबर वन इंडिविजुअल्स स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स डेवलप एंड फंड दैट डायरेक्टली एड्रेस सोशल इश्यूज अ इशूजलशिप देर फॉर इज अ पर्सन हु एक्सप्लोर बिजनेस अपॉर्चुनिटी दैट हैव अ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन देयर कम्युनिटी इन द सोसाइटी और द वर्ल्ड तो मेजर मसला यहां पर आ गया कि एक तो आपका स्टार्टअप है आपने किस कल्चर किस बिहेवियर किस नॉर्म्स किन एटीट्यूड और सबसे पहले क्या आप मेन स्ट्रीम में हैं क्या आपकी सोशल एक्सेप्टेंस है आप किन तरह के खानदानी रवायात के मुताबिक वहां पर हैं आपको आने वाले वक्त में बहुत तेजी से पता चलेगा और बींग आटन भी पता चलेगा अगर आप बिजनेस कम्युनिटी से नहीं है फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में भी आपको कहेंगे खोजे खोजे मतलब शेख इसी तरीके से आपको कहेंगे राणे राणे मतलब चंद रेलिवेंट जगहों के साथ बिजनेस का ताल्लुक रखते हैं खोजे फला बिजनेस में होते हैं आरती फला बिजनेस में होते हैं कमाज कुछ खानदानों के होते हैं नॉल किसी और बिजनेस से ताल्लुक रखते हैं तो ये हम लोगों ने एक सोसाइटल नॉर्म्स बनाए कि फला फला आदमी जो है फला फला कमाश और बिजनेस के साथ ताल्लुक रखता है कोई जरात से ताल्लुक रखता है यानी सियाल लोग हैं तो सिर्फ जरात ही करेंगे मैनुफेक्चरिंग में नहीं होंगे मैनुफैक्चरिंग में ज्यादातर कौन होंगे खराब का काम करते हैं तो शेख होंगे सो इस तरह के हमें बहुत सारे आइडियाज मिलेंगे फिर इसी तरीके से सोशल बिहेवियर जो है वो ये भी बिहेव कराते हैं कि मेन स्ट्रीम में कैसे हैं कि चन्योटी बिजनेस वाले हैं तो वो एक दूसरे की सोसाइटी को खास तौर पे फंड भी करते हैं इसका पहला जो बेस है वो आपकी फिल ट्रॉफी बनती फिल ट्रॉफी इन अ सेंस कि फॉर एग्जांपल मैंने एक बिजनेस शुरू करना है तो मेरे साथ जो लोग मिलेंगे अगर पांच पार्टनर करता हूं दस दस लाख के तो पचास लाख का कोई मैं यूनिट तैयार करता हूं या तीन करोड़ का करता हूं या दस करोड़ का करता हूं तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी अपनी वजह और आपकी आ, आपकी जो डीएनए और आपके ताल्लुका आपके मामला और आपकी शख्सियत और प्लस आप किस जगह से ताल्लुक रखते हैं ये अनफॉर्चुनेटली बड़ा इंपॉर्टेंट है तो आंट्रप्र के लिए नए आने वाले के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने किस सर्टेन सोसाइटी और कम्युनिटी में बिहेव करना है और फिर उसको बिहेव करने के लिए उन लोगों के अंदर किस तरीके से आपने उसका हिस्सा बनना है सो so, ये चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे आगे आने वाले कई टॉपिक्स के अंदर थैंक यू वेरी मच